हेलो माय शाइनिंग स्टार्स कैसे हो आप सभी फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका बहुत अच्छा स्कोर आया है जिन्होंने बहुत अच्छे रैंक सिक्योर करे हैं उन सभी को कंग्रेचुलेशन्स माय डियर स्टूडेंट्स बट आई एम रियली सॉरी ये वीडियो जो है वो मेरे उन शाइनिंग स्टार्स के लिए है जिन्होंने अपना हंड्रेड तो दिया है बट डे एम नॉट हैप्पी विद दर परफॉर्मेंस देखो बेटा ये जो फीलिंग है ना ये आई कैन अंडरस्टैंड मैं ये आपको बता रही हूँ और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही आई नो दैट वट यू आर फीलिंग कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं आपकी जगह पर थी और मैं बहुत बार अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में होती हूँ एंड आई विल टेल यू दिस बेटा बचपन से एक सपना देखा होता है क्लास में जब हम फर्स्ट आते हैं ना एक बार फर्स्ट आते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा और हम तभी से एक सपना ले लेते ले हैं ले कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा मैं डॉक्टर बनूंगा और हम हर जगह पर अपना हंड्रेड परसेंट देते हैं हम कहीं पर कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं एंड इट इज अंडरस्टूड

अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने मैं तुमसे बड़ी हूं ऑब्बियसली मेरा लाइफ एक्सपीरियंस ज्यादा है तुमसे मैं तुम्हें एक चीज बोल सकती हूं कि ये चीज तुम्हें आज बहुत परेशान कर रही होगी बहुत दुखी कर रही होगी लेकिन लेकिन आज से एक दो साल तीन साल बाद बेटा आप खुद से जरूर बोलेंगे कि यार अच्छा हुआ तब मुझे वो चीज़ नहीं मिली क्योंकि भगवान का अपना एक प्लान है एंड आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव बेटर थिंग्स टू कम जब एक रास्ता बंद होता है ना चार रास्ते खुलते हैं ये लाइन हमने सबने सुनी है ये लाइन मैंने फील करी है एंड आई एम टेलिंग यू दिस तो बेटा अगर आप इस टाइम पे डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं इट इज नॉर्मल बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है पर रैंक नहीं आ पाई बताऊं क्यों कंपटीशन इतना बढ़ गया है आपको पता है ऑलमोस्ट एन स्टूडेंट्स के सेवन ट्वेंटी ऑफ सेवन ट्वेंटी आए सेवन हंड्रेड के ऊपर जो आपका रैंक है वो टू थाउजेंड प्लस चल रहा है द कॉम्पिटिशन इज हाई यू हैवेंट डन एनी थिंग रॉन्ग अब मैम हम इस कॉम्पिटिशन का क्या करें मैम मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों तो बेटा मैं आप लोगों को आज बस एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी एंड यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ Uh, मैं एक बार एक uh, uh, मेरे को एक बच्ची मिली थी uh, वो मुझसे uh, बात कर रही थी डिस्कस कर रही थी अपने एग्जाम के बारे में एंड शी शीजस्ट आसमी कि मैम क्या मैं एक uh, मैम क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं तो मैंने उसे बस एक सिंपल सी बात बोली बेटा पहले आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा ड्रॉप है एंड सेकंड आप खुद से पूछे कि क्या आपको डॉक्टर बनना है कि नहीं शी सर मैम मुझे डॉक्टर बनना है मुझे डॉक्टर बनना है मैम और ये मेरा ना सेकेंड ड्रॉप होगा हमने आधा घंटा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स डिस्कशन किया एंड सारी डिस्कशंस करी कि कैसे वो तैयारी कर रही है कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है कैसे उससे वो अपने स्कोर को बेटर कर सकती है एंड जब वो कंफर्टेबल फील जब वो कंफर्टेबल फील करने लगी ना तो मैं पता है उसने मुझे क्या बताया मुझे अभी भी मुझे अभी भी घुसबम्स आ रहे हैं उसने मुझे बोला कि मैम मैंने आपसे झूठ बोला था मेरा सेकेंड ड्रॉप नहीं होने वाला है मेरा फोर्थ ड्रॉप होने वाला है मैम मेरे साथ के दोस्त जो है ना वो मैम कॉलेजेस पास कर करने लगे हैं लेकिन मैम मेरे मन में ना एक ही चीज आ रही है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैम मैं इस चीज को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूं तो मैंने उसे एक सिंपल सी चीज बोली बेटा दैट आस्क योर सेल्फ कैन यू और नॉट अगर क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब आप फोर्थ ड्रॉप लेते हो तो मैंने उसे सिर्फ एक ही चीज बोली कि बेटा आप खुद से ये पूछो कि अगर आप किसी और फील्ड में जाते हो

उसने मुझे कॉल किया एंड आई फेल्ट सो गुड आई फेल्ट सो गुड तो ये स्टोरी बेटा मैं आपको क्यों बता रही हूं ये इंसिडेंट मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहती हूं दैट जो भी आप डिसीजन लो आप पूरा ये सोच समझ के लेना कि क्या ये डिसीजन आपको फर्दर फ्यूचर में कभी रिग्रेट ना दे पहली बात एंड दूसरा माइडिया स्टूडेंट्स आप किसी भी फील्ड में चले जाओ किसी भी फील्ड में चले जाओ कंपटीशन हर जगह है हर जगह कंपटीशन है और आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए हार्डवर्क करना ही पड़ेगा ऐसी कोई ऐसी कोई फील्ड uh, नहीं है जहां पर आप मिडियोकर uh, रह रहकर अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं देर इज कॉम्पिटिशन आप कहीं भी जाओगे आपके आपसे बेटर लोग होंगे आपको उनसे बेटर करना होगा एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू फाइट ईच एंड एवरी डे ईच एंड एवरी मिनट बेटा ये जिंदगी का हार्श ट्रूथ है तो ये सोच कर कि यार यहां कंपटीशन है और वहां कंपटीशन नहीं है तो मैं ये छोड़ दू नहीं ये आंसर नहीं है क्वेश्चन सिर्फ एक चीज पूछनी है कि क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं और मेरे लिए डॉक्टर बनना कितना जरूरी है एंड वन थिंग माय डियर स्टूडेंट्स ये जो टाइम है ना ये जो टाइम ये जो दो तीन दिन है तुम्हें तो दिख रहा होगा इतनी चकाचौंध हर कोई जो आप अच्छे टॉपर्स है रैंकर्स हैं उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड कोई भी कोई भी आपसे नहीं पूछा कि यार कैसा फील कर रहे हो आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड एक चीज बताऊं आपके आपके पेरेंट्स साथ होंगे अगर आपने अपना हंड्रेड परसेंट दिया है उन्होंने देखा है तुम्हें अपना 100 देते हुए वो तुम्हारे साथ होंगे फॉर श्योर और वो बोल रहे होंगे कि बेटा इट्स ओके okay. हमें पता है यू हैव डन योर हंड्रेड परसेंट एंड हम आगे और बेटर करेंगे इट्स ओके okay. ऐसा कोई ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं तुमने नहीं किया आई नो दैट तो बस उन्हीं के सोच पे डिपेंड करता है बेटा हर चीज उन्हीं पे डिपेंड करती है तो ये दो तीन दिन ना कोई डिसीजन मत लो ये दो तीन दिन कुछ मत सोचो जब हम बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव स्टेट में होते हैं तो हम गलत डिसीजन ही लेते हैं तो आपको अभी बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है थोड़ा सा शांत रहना है एंड उसके बाद में आपको सोचना है कि यार क्या करूं या क्या ना करूं ठीक है बस इतना ही बोलूंगी इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहती आई वॉन्ट टू से वन लास्ट थिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ यू क्योंकि अगर आपने अगर आपने एक बार भी ये सोचा है कि यार मुझे तो डॉक्टर बनना है इस साल नहीं तो कोई नहीं अगले साल सही अगर आपने ये सोचा है ना यू हैव समथिंग एक वो स्पार्क है तुम में जो शायद बहुत सारे लोगों में नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग गिव अप करेंगे एंड एक चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ आगे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा कंपटीशन कम नहीं होगा लेकिन अगर तुमने सोच लिया तो बेटा तुम्हें तो सिर्फ एक सीट चाहिए वो एक सीट के लिए ना जी जान लगा दो एक साल मेहनत कर ली एक साल हंड्रेड एंड ट्वेंटी परसेंट दे दिया ना उसके बाद में तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो बेटा बाकी एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस देर आर अल्ड ऑफ थिंग्स वेटिंग फॉर यू मैं बता रही हूं ऐसा कभी नहीं होता ऐसा कभी भी नहीं होता हर हमेशा हम ना कोई भी मोमेंट पे कोई भी चीज पे हुआ होगा तुम्हारे साथ भी कि कभी अभी पुराना अपना पास्ट सोच के देखो कि कभी तुम्हें कोई चीज़ ने बहुत परेशान किया होगा तुम्हें लगा होगा कि यार मेरा लेट से कोई रैंक की बात हो गई या कोई चीज तुम्हें चाहिए थी यार मुझे वो क्यों नहीं मिला तब तुम्हें लग रहा होगा दिस इज द एंड ऑफ दी वर्ल्ड लेकिन दो साल बाद तीन साल बाद तुम्हें आज वो सोच के ना थोड़ा सा हंसी आती होगी और तुम्हें लगता होगा यार अच्छा हुआ वो नहीं हुआ अगर वो नहीं हुआ तो आज मैं यहां हूं वही चीज अभी तुम्हारे साथ हो रही है आज से दो साल बाद तीन साल बाद जो अभी हुआ है दैट विल बी फॉर गुड इस बात पर बिलीव करो थोड़ा सा मुश्किल है पर करो एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से आई एम विद यू योर पेरेंट्स आर विद यू योर फैमिली इज विद यू दे बिलीव इन यू एंड बस इतना ही बोलूंगी दैट प्लीज 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 डोंट गिव अप अभी ये दो तीन दिन सिर्फ खुद को खुश रखने के लिए चीजें करो तुम्हें कहीं पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो कहीं बाहर जाना है कहीं बाहर जाओ बट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ डोंट लूज दैट होप बेटा डोंट लूज दैट होप अगर तुम खुद पे बिलीव करोगे तो तुम अपना हंड्रेड परसेंट दोगे एंड यू विल अचीव हाइट्स मैं अपनी हर क्लास के बाद में एक लाइन हमेशा बोलती हूँ जब मैं क्लास एंड करती हूँ दैट कीप स्माइलिंग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ ये जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना कि येस आई कैन डू इट येस आई कैन डू इट पूरी दुनिया लग जाती है तुम्हें वो चीज अचीव कराने में वो कोई डायलॉग है ना कि जब शिद्दत से कुछ चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलवाने में लग जाती है तो बस वही होगा बेटा बस प्लीज अभी अभी ये दो तीन दिन ना जस्ट एकदम बंद कर दो अपने माइंड को कुछ मत सोचो एंड जस्ट थिंक कि जो हो रहा है ना दैट इज हैपनिंग फॉर गुड ठीक है एंड बाकी की चीजें एवरी थिंग विल फॉल इन प्लेस आई एम विद यू एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू ठीक है एंड ऑल्सो बेटा मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ दैट अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि मैम मेरा ना ये स्कोर आ रहा है ये मेरा रैंक है तो मेरा कॉलेज क्या होगा हम उसी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि यार हम क्या करें आगे फर्दर तो आप लोगों के हेल्प के लिए ना एक नीचे लिंक होगा उस लिंक में आप अपना रैंक uh, डालेंगे तो आपको आपके कॉलेजेस जो जो आपको मिल सकते हैं वो सारे कॉलेजेस आ जाएंगे यू कैन यूज दैट प्रिडिक्टर वो आपको काफी हेल्प कर सकता है ठीक है एंड ऑल्सो माई डियर स्टूडेंट्स अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो यू हैव अ लॉर्ड ऑफ रिवॉर्ड्स ठीक है गूगल फॉर्म है नीचे आप उसे फिल कर देना एंड uh, बाकी मेरे शाइनिंग स्टार्स जो हैं आई जस्ट वांट टू से आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यू विल डू अमेजिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट कीप स्माइलिंग बच्चे